यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जी हाँ, हरियाणा का अगर नाम लेते हैं तो नाम लेने से ही आजकल हरियाणा की बेटियों की छवि सामने आने लगती है, क्योंकि हरियाणा की बेटियां आजकल वो कारनामा कर रही हैं कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी झंडे गाड़ दिए हैं और अपने भारत का नाम रोशन कर दिया है। सुषमा स्वराज की बात कर लीजिए, सायना नेहवाल की बात कर लीजिए, या फिर कल्पना चावला की बात कर लीजिए, मानुषी छिल्लर की बात कर लीजिए, सपना चौधरी की बात कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हुई हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में हमारा नाम रोशन किया है, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये बेटियां इतने आगे तक कैसे पहुंची हैं? मतलब कि हमारा नाम रोशन हुआ है, हमारे हरियाणा का नाम रोशन हुआ है, हमारे परिवारों का नाम रोशन हुआ है, हमारे गांवों का नाम रोशन हुआ है, तो आखिर इन सब के पीछे कितनी मेहनत रही होगी, किस किस की मेहनत रही होगी? जी हाँ, सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ा सपोर्ट परिवार का, फैमिली का होता है, जिसकी वजह से शायद हम उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं जिस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पर चलना पड़ता है, और उस पहली सीढ़ी पर हमें पहुंचाते हैं हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले। तो बात करेंगे हरियाणा के करनाल की बेटी की, जो कि उसी मुसीबत को झेल रही है, या फिर कहें उन कठिनाइयों को फेस कर रही है जो कि शायद हर वो बेटी करती है जिसकी कहानी आप तक या फिर हम तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन इस बेटी की कहानी हम आपको बताएंगे। हरियाणा के करनाल की बेटी प्रीति, जो कि बीए की पढ़ाई कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेलने का शौक रखती है और कई पुरस्कार वो जीत चुकी है, लेकिन आज वो ऐसी मुसीबत को झेल रही है, शायद जो मुसीबत सबसे ज़्यादा हमें कमज़ोर कर देती है, क्योंकि उसे अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, उसके पिताजी को उसका कबड्डी खेलना पसंद नहीं है, लेकिन प्रीति कुछ कर दिखाना चाहती है, क्योंकि हरियाणा की बेटियों में एक और नाम वो शामिल करना चाहती है, और उसका एक सपना है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाए, वहाँ पर से पुरस्कार लेकर आए और अपने भारत देश को गौरवान्वित करें। लेकिन आपको बता दूं कि उसके पिताजी उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उसके पिताजी उसे रोहतक लेने आए जहां पर वो प्रैक्टिस करती है, और उसे रोहतक से वापस अपने घर ले गए। बहुत मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ा और शायद उसकी हिम्मत भी कहीं ना कहीं टूटी, लेकिन फिर उसने मेहनत की, वापस रोहतक गई, वापस प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि उसका कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपने खेल को कंटिन्यू करना चाहती है ताकि वो अच्छे से मेडल जीते, अच्छे से प्रैक्टिस करे, और फिर वही बात दोहराऊंगी कि भारतवर्ष को गौरवान्वित वो कहीं ना कहीं कराना चाहती है। वैसे पानीपत के महावती गाँव की रहने वाली है प्रीति, और जो परिवार है प्रीति का वो 4 साल से करनाल में रहता है और रोहतक के वैश्य कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही है। प्रीति नेशनल लेवल पर कबड्डी भी खेल चुकी है, और प्रीति का ये आरोप है कि 2017 में उसके पिता रोहतक आए, जबरन उसे करनाल ले गए और एक उम्रदराज लड़के से उसका रिश्ता भी तय कर दिया। कई दिन तक उसे कमरे में भी बंद रखा, लेकिन किसी तरीके से उसने रोहतक आकर फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और कुछ दिन पहले उसके पिता फिर से उसे कुछ लोगों के साथ रोहतक लेने आए और उसे लेकर जाने लगे, लेकिन वो किसी तरह बच निकली। प्रीति का कहना है कि उसे अपने पिता से ही जान का खतरा है। कह सकते हैं कि हरियाणा में शायद इस तरीके की सोच है कि जब बेटी थोड़ा बड़ा होने लगती है, 20-22 की उम्र में पहुंचती है, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी कहाँ नौकरी करेगी, घर पर रह के काम काज करना है, रोटियाँ बनानी हैं, तो इतना काफ़ी है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर वो हुनर नहीं होता, वो हौसला नहीं होता, अपने पंखों को उड़ान देने की हिम्मत नहीं होती कि हाँ हम कुछ कर पाएँ। लेकिन इतना हौसला रखना कम नहीं है जनाब, क्योंकि कबड्डी खेल खेलने का शौक प्रीति रखती है और वो चाहती है कि अपने खेल को एक मुकाम दे, एक जो उम्मीद उसकी जगी है, अपने सपनों की किरण वो सभी के सामने लाना चाहती है और सभी को अपने हौसले से रूबरू कराना चाहती है। लेकिन पारिवारिक जो एक सहयोग की ज़रूरत होती है वो उसे नहीं मिल पा रहा। तो ये कहानी तो प्रीति की है जो हम तक पहुंच पाई है, लेकिन आप सोचिए हरियाणा में ऐसी कितनी बेटियां होंगी जो इस तरीके से अपने परिवार का सपोर्ट ना मिलने की वजह से रह जाती होंगी, या फिर शादी हो जाती है, बच्चे, घर गृहस्थी, और इसी में रह जाती है। तो प्रीति ने पर आगे कदम बढ़ाया, उसने हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की, महिला आयोग तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की, और जब जबरन फिर से उसके पिताजी उसे वापस रोहतक लेने पहुंचे तो वो वहां से भाग निकली, क्योंकि वो चाहती है अपने पंखों को उड़ान देना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रीति का ये हौसला गलत नहीं है, उसके सपने देखना गलत नहीं है, शायद उसके परिवार की तरफ से अगर उसे वो सपोर्ट मिल जाए, वो हिम्मत मिल जाए, तो प्रीति भी अपना वो नाम जो है
दर्ज करा सकती है हरियाणा की उन बेटियों में जिसमें पहले से ही कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मानुषी छिल्लर आप सभी को याद होंगी, जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और हरियाणा का नाम एक बड़े दर्जे पर जो है सभी के सामने लाकर रखा और देश विदेश में अपनी पहचान जो है वो बनाई है। और अभी इसी के साथ प्रीति भी एक सपना लेकर चल रही है, लेकिन सवालों के दायरे में बहुत सारे लोग हैं और एक सवाल ये उठता है कि क्या बेटियों को हमेशा इस तरीके की मुसीबतों को झेलना पड़ेगा? पारिवारिक सपोर्ट, पारिवारिक सहयोग उन्हें नहीं मिल पाएगा? और इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाती हूँ कि सोचिए कि अगर इस तरीके से बेटियों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन बेटियों तक इन बेटियों की राह कैसे पहुँच पाएगी।